नमस्कार, स्वागत है शिश न्यूज़ में। मैं राहुल ओझा के साथ बीपीएससी को लेकर के इस वक्त की बड़ी जो खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले दिनों सड़कों पर उतरे हुए थे और सड़क पर जो संग्राम था वो देखने को मिला था। और अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना था कि बीपीएससी जो दो दिनों का एग्जाम ले रही है उसको अब हटाना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो परसेंटाइल सिस्टम है और इसको लेकर के भ्रष्टाचार का एक जो स्वरूप है वो तैयार होता है, इसलिए इन तमाम चीजों को हटना चाहिए। और इस पूरे मसले को लेकर के जो लाठीचार्ज है वो भी अभ्यर्थियों पर किया गया था। और इस पूरे मसले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नजर थी वो चिकी हुई थी कि आखिर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो चाह क्या रहे हैं। और इस सबके बीच जो नीतीश कुमार है उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मसले पर और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला करके बीपीएससी के अध्यक्षों, सचिवों और बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग से बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है कि अब जो बीपीएससी का एग्जाम है वो एक ही दिन में होगा और साथ ही एक ही पाली में होगी, साथ ही परसेंटाइल सिस्टम भी नहीं रहेगा, यानी कि जो पुराना पैटर्न है वही पैटर्न लागू रहेगा। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जी जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर। अशोक जी, एक बड़ी जो राहत है वो नीतीश सरकार ने दिया है कि अब परसेंटाइल सिस्टम नहीं होगा, एक ही दिन में एक ही पाली में जो एग्जाम है वो ले लिया जाएगा, किस तरीके से इस आज की बैठक के फैसले को देख रहे हैं? देखिए राहुल, बीपीएससी के 67वीं परीक्षा जो होने वाली थी उसके अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पिछले दिनों बीपीएससी ने 67वीं जो परीक्षा आयोजित उसको करनी थी उसके लिए एक नए नियम को का निर्धारण किया था और उसमें था कि इसमें परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा और बीपीएससी की परीक्षा एक दिन के बदले दो दिनों में लागू होगी और इस परसेंटाइल सिस्टम के आधार पर फिर मुख्य परीक्षा के लिए जो छात्र होंगे, परीक्षार्थी होंगे, वो चयनित होंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि पिछले यानी कि कल बुधवार को जब पटना की सड़कों पर बीपीएससी के लगभग 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पटना की मुख्य सड़क बेली रोड पर प्रदर्शन किया था और राज्य सरकार के और बीपीएससी के इस फैसले का विरोध किया था, इसको लेकर के पूरा बेली रोड कह सकते हैं कि रण क्षेत्र बन गया था और बीपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों और पुलिस के बीच जमकर लाठियां चली थी और छात्र कई घायल हुए थे। और छात्रों का आरोप था कि बीपीएससी ने जो यह फैसला लिया है वो फैसला कहीं से भी ना तो नियम के अनुकूल है और ना तो कहीं तर्क संगत है। ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों का कहना था कि वो लगातार 5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और एकाएक परीक्षा जब सामने में हो, परीक्षा का जब समय निर्धारण का वक्त आया तो बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो कहीं न कहीं छात्रों के हित के अनुरूप नहीं है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। उसको लेकर के छात्रों और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुआ था उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे संज्ञान में लिया और कल मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर के चीफ सेक्रेटरी और बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया था। आज उनकी बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी और क्या कहते हैं बीपीएससी के जो वहाँ के अधिकारी अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया और उनको बुला करके और ये फैसला लिया गया है कि बीपीएससी की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी और एक दिन ही होगी, यानी कि परसेंटाइल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और पुराने पैटर्न के मुताबिक एक दिन में ही परीक्षा होगी। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राज्य सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के मांग के से पीछे हटी, यानी कि कहीं उनकी जो मांग थी उसको लेकर के राज्य सरकार पीछे हटी अपने निर्णय पर, बीपीएससी पीछे हटी है और यह कहिए कि उन छात्रों के लिए राहत की खबर है जो पटना के सड़कों पर आंदोलनरत। बिल्कुल, तो राहत की खबर है और एक दिन एग्जाम लेने से आप फिर कह सकते हैं कि परसेंटाइल सिस्टम की बात कर रहे थे, आखिर विषय को लेकर के चिंता किस कदर थी छात्रों में, आखिर उन्हें क्या लग रहा था कि दो दिनों का होगा तो फिर हमें कहां परेशानियां होगी, उनको उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए छात्रों का आरोप था कि दो दिन में जब ही परीक्षा ली जाएगी तो कहीं ना कहीं परीक्षा की जो पारदर्शिता है वो सही नहीं होगी। आप राहुल समझ लीजिए कि अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है या कोई भी संस्था एग्जाम लेती है तो उसमें उसका कहीं ना कहीं जो प्रश्न पत्र होता है वह उसका आईना होता है और दो दिन में अगर लेती है परीक्षा तो बीपीएससी अगर 500 क्वेश्चन ही सेट करती है तो कोई जरूरी नहीं है कि 500 क्वेश्चन फिर दूसरे दिन की परीक्षा में बदले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जिन छात्रों की पहली परीक्षा होती है वो तो उस क्वेश्चन में जो उनको आएगा या जिस उनको जो जानकारी है वो जवाब दे देंगे, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं जो जिनकी दूसरे दिन परीक्षा होनी है उनको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा और उनको एक तरह से कहिए कि उसका लाभ मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में उनको पहले से जानकारी हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में जो बाद में परीक्षार्थी थे उनको उसका लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात है कि परीक्षार्थियों का आरोप था कि परसेंटाइल सिस्टम जो किया गया है तो ये क्या है,
ये एक तरह से छात्रों के रिजल्ट को एक तरह से कहीं प्रभावित करने वाला, उनका कहना है था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बीपीएससी अपनी मर्जी से, उनका ये आरोप था कि कहीं न कहीं परसेंटाइल फिक्स करने में या जो मार्क्स दिए जाएंगे छात्रों को उसमें कहीं न कहीं पक्षपात होगा। विद्यार्थी इसलिए भी उद्वेलित थे, उन्होंने पुराने पैटर्न के आधार पर ही परीक्षा की तैयारी की थी, नए पैटर्न की उनको जानकारी नहीं थी और उनको ये लग रहा था कि एन वक्त पर, यानी कि जब परीक्षा लेने का वक्त आया तो बीपीएससी ने जो तैयारी की है उसके लिए परीक्षार्थी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर जंग शुरू हो जाता है तो बीच जंग में फैसले नहीं बदले जाते हैं और यही काम बीपीएससी ने किया था और इसी को लेकर के छात्र आक्रोशित थे और उस आक्रोश का परिणाम यह हुआ कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी छात्र थे उनका न कोई संगठन था, उनका न कोई लीडर था, उनका न कोई जातीय समीकरण था, वो एकाएक आप समझ लीजिए कि आज के जमाने में सोशल मीडिया का कितना महत्व है कि उनको एकाएक उन लोगों को जानकारी दी गई और हजारों छात्र पटना की सड़कों पर आ गए। तो राज्य सरकार ने उनकी मांग के आगे झुक गई है, राज्य सरकार ने फैसला लिया है और बीपीएससी बैकफुट पर आई है और अब पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा ली जाएगी। जी बिल्कुल, तो जो चिंता थी उस चिंता को राज्य सरकार ने अब दूर कर दिया है और पुराना जो पैटर्न है वही पैटर्न लागू रहेगा, यानी कि एक ही दिन में एक ही पाली में परसेंटाइल सिस्टम को हटा करके जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा जो है वो दे सकेंगे। क्योंकि चिंता उनकी थी कि हमने पुराने पैटर्न पर अपनी तैयारी की थी लेकिन नया पैटर्न आ गया, नई चीजें आ गई, तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अब एक बड़ा जो संदेश है वो भी राज्य सरकार ने दिया है कि हम छात्रों की हितैषी हैं और अगर वो अपनी समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी सुनते भी हैं और उसके अनुरूप जो है हम कार्रवाई भी करते हैं। तो छात्रों के लिए बड़ी खबर और फिलहाल इस अपडेट में हमारे साथ इतना ही। यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तमाम खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।